टीकमगढ़ जिला संयुक्त कार्यालय प्रांगण से मंजरी फाउंडेशन के कोरोना वैक्सीन जागरूकता के लिए चलाए जा रहे चेतना रथ को विधायक राकेश गिरी और जिला कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बताया जाता है कि मंजरी फाउंडेशन जागरूकता चेतना रथ के द्वारा 40 गांवों में 400 जरूरतमंदों को निःशुल्क राशन किट वितरित की जाएगी। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में उपस्थित कुछ जरूरतमंदों को भी राशन किट वितरित की गई। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक राकेश गिरी गोस्वामी, कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी, अपर कलेक्टर आईजे खलको, डिप्टी कलेक्टर हरसिल चौधरी सहित अन्य उपस्थित रहे। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। मंजरी फाउंडेशन द्वारा कोविड के संबंध में एक जागरूकता दो रथ रवाना किए जा रहे हैं। जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर के प्रचार प्रसार के लिए और वैक्सीनेशन के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता रथ रवाना किए जा रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी कार्यवाही है और इससे प्रशासन को बहुत सहयोग मिलेगा। इसके अलावा कुछ निराश्रित लोगों को इनके द्वारा खाद्य सामग्री भी वितरित की गई है। तो ये मंजरी फाउंडेशन टीकमगढ़ एक अच्छा काम कर रही है। थैंक यू। आज मंजरी फाउंडेशन द्वारा कोरोना की जागरूकता को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, टीकाकरण अभियान को लेकर आज से रथ प्रारंभ किया गया है। यह रथ टीकमगढ़ जिले के लगभग 40 ग्रामों में जाएगा, जो कोरोना की जागरूकता के अभियान के रूप में काम करेगा, कोरोना के बारे में जो अवेयरनेस लाने का काम करेगा, वो वैक्सीनेशन अधिक से अधिक लोग कराएं, इसके लिए भी यह मंजरी फाउंडेशन काम करेगा। और इनके द्वारा इसमें राशन किटों का भी वितरण, साथ में 400 लोगों को राशन वितरण का भी लक्ष्य रखा गया है। और आज भी यहाँ कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा, मेरे द्वारा काफ़ी लोगों को राशन किट का वितरण किया गया। और आज इस मंजरी फाउंडेशन का कोरोना को लेकर रथ चल रहा है, उसको आज कलेक्टर टीकमगढ़ मेरे द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।